आज मैं आपको निसान कंपनी का स्लिंग फैन रिवाइंडिंग मशीन का वीडियो बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मशीन को किस प्रकार से फिटिंग कर सकते हैं। इस मशीन का मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो बताने वाला हूँ। साथ में आपको मैं यह भी बताने वाला हूँ कि यदि आप निसान कंपनी के किसी भी स्लिंग फैन रिवाइंडिंग मशीन को खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉफिट है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि निसान एक ऐसी ब्रांड है जो कि स्लिंग फैन को रिवाइंडिंग करने के लिए जो मशीन बनाता है वो सबसे पहले इसी कंपनी ने बनाया था, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हैवी मटेरियल में बनाता है, जिससे कि आप इस मशीन को लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि मेरे पास ये जो मशीन आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि आप ऑटोमेटिक पंखे की रिवाइंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया तो इसके साथ में क्या क्या मिला है वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको सभी प्रकार की डाई मिल जाती है, साथ में यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें आप रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने अनुसार काउंट भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मशीन के साथ हमें कई प्रकार के टूल्स मिलते हैं जिसको हमें इंस्टॉल करना होता है, मतलब हमें इसको फिटिंग करना होता है। साथ में यहाँ पे आपको सभी प्रकार की डाई मिल जाती है और यहाँ पे आपको वायर का जो रोल होता है उस पर रखने के लिए आपको एक राउंड कलर की प्लेट मिल जाती है, जिससे कि आपके वायर में किसी प्रकार की आटी नहीं आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निसान एक ब्रांड है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये क्या क्या बनाती है उसके डिटेल यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस मशीन को किस प्रकार से फिटिंग करना है ये मैं आपको बता लेता हूँ। तो एक एक पार्ट को हम लेते हैं और एक एक पार्ट को हम यहाँ पे फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक पार्ट को किस प्रकार से लेते हैं और यहाँ पे फिटिंग में किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पास एक ऐसा टूल्स होता है जो कि आपको इसके अंदर मिलता है। अब इसको किस प्रकार से फिटिंग करना है ये मैं आपको बता लेता हूँ। तो ये आपके पास जो मशीन है इसका जो बीच में आपको ये जो इस प्रकार की जो ये प्लेट है इसको यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो टैप है इसको निकाल देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे आपको खांचे के अंदर बैठाना होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पीछे का जो स्क्रू है उसको लूज करना है और इसके बाद आपको नीचे से इसके खांचे के अंदर बैठाना है और इसके बाद जिस प्रकार से आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इसको फिट करना होता है, आप इसको आगे पीछे जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं उस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो स्टेट है इसको इसके अंदर बैठाने के लिए यहाँ पे आपको ये टूल है वो मिल जाता है। इसको यहाँ पे फिटिंग करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में आपको दो बोल्ट दिए हुए, इनको खोलना होता है और खोलने के बाद आप इसको यहाँ पे फिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इन दोनों बोल्ट को खोल देते हैं और खोलने के बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टेट को लगाने के लिए टूल्स दिया हुआ है इसको हमें यहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे खोलने के बाद इस प्रकार से मैंने कैसे रखा इसी प्रकार से आपको भी रखना है और दोनों जो यहाँ पे आटे दिए उनको दोनों आपको ये जो आपको बोल दिए हुए इसके साथ यहाँ पे फिट कर लेना है सही से। यहाँ पे आपको इसके साथ में एक पाना भी मिल जाता है जिसकी सहायता से आप इसको आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। अब अगर यदि आपने इन दोनों पार्ट को इस प्रकार से फिटिंग कर लिया है तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि इसके साइड में आपको एक और पार्ट्स मिलता है जिसको यहाँ पे फिट करना होता है। तो फिट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो डंडी मिलती है जिनके अंदर वायर लगता है, तो इनको भी यहाँ पे आपको फिटिंग करना होता है। फिटिंग करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो आटे वाला जो पार्ट है वो मिल जाता है। हमें इस प्रकार से इन दोनों को एक समान रूप में फिट करना होता है, कहीं भी आपको ऊपर नीचे महसूस नहीं हो ऐसा आपको फिट करना है, क्योंकि यदि आप इन दोनों के अंदर अलग अलग लेवल के हिसाब से यदि आप फिट करते हैं तो आपका जो मशीन है वो वाइब्रेट हो सकता है। इसलिए ये जो दोनों आपके पास ये जो देख सकते हैं इन दोनों को आपको एक समान रूप में फिट करना है और ताकि आपका जो बैलेंस है वो एक समान बना रहे, जिससे कि आपका जो मशीन है वो वाइब्रेशन नहीं करे। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से आप साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं
और अपने अनुसार आप इसको फिटिंग कर सकते हैं। यदि आपने इनकी साइज को सही से एडजस्ट कर लिया है तो अब यहाँ पे आप पाने की सहायता से आप इसको परमानेंट फिटिंग कर सकते हैं। अब यदि आपने इसको फिटिंग कर लिया है तो यहाँ पे आपको ऐसे चेक भी करना घुमा के कि कहीं टच तो नहीं हो रहा है, साथ में इनका जो लेवल है वो भी यहाँ पे चेक कर लेना है। यदि टच होता है तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपने अनुसार। यदि आपको लगता है कि बिल्कुल सही है तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना, बस इनको सही से फिट करके यहाँ पे अब डाई का जो सेट होता है इसको फिटिंग करने के लिए आपके पास टूल्स मिल जाता है, इसको यहाँ पे फिटिंग करना होता है तो डाई को पकड़ के रखने का इसी का काम है। तो यहाँ पे आपको दो हॉल मिल जाते हैं, साथ में इसके अंदर भी आटे वाले हॉल मिल जाते हैं। इसको यहाँ पे दोनों हॉल को एक समान आपको लेवल में बैठाना होता है ताकि आप पीछे से बोल्ट है वो लगा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया है। अब इसके बाद हमें दो बोल्ट मिलते हैं जिसको हमें यहाँ पे इस प्रकार से इसको लगा के यहाँ पे पाने की सहायता से हमें इसको फिटिंग कर लेना है जिससे कि ये वाइब्रेशन नहीं होगा। अब यदि आपने सही लेवल के अनुसार इन दोनों को फिटिंग कर लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाई का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके कुछ पार्ट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे फिटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि वायर को सपोर्ट देने के लिए हमें एक और पार्ट्स मिलता है जो कि हमें यहाँ पे लगाना होता है। इसको लगाने के लिए यहाँ पे दो बोल्ट दिए हुए जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन दोनों बोल्ट को यहाँ पे आपको खोल देना है और खोलने के बाद ये जो आपको मैंने पार्ट बताया इसको आपको इस प्रकार से सही से टाइट फिटिंग कर लेना है। अब इसके बाद यदि आपने इसको फिटिंग कर लिया है तो यहाँ पे आप इसको जिस प्रकार से एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद नीचे वाले बोल्ट को भी आप अपने अनुसार टाइट कर सकते हैं। अब यदि आपने इसको टाइट कर लिया तो यहाँ पे आपको ये जो पतला पाइप दिया हुआ है इसको यहाँ पे नीचे आपको लगाना होता है ताकि आपका जो वायर है वो कहीं भी टच नहीं हो, जिससे कि आपका जो वायर का जो इंसुलेशन है वो निकले नहीं। तो हमें इस प्रकार से इसको सही से फिट कर लेना है दोनों स्क्रू को खोल के। अब यदि आपने इसको भी फिट कर लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मशीन है इसके लगभग सभी पार्ट्स यहाँ पे हमने सही से फिटिंग कर लिए हैं। यदि आपने सही से फिटिंग नहीं किए तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए सही से फिटिंग कर सकते हैं। अब यदि आपने इन सभी को सही से फिटिंग कर लिया है तो अब यहाँ पे आप अपने पंखों को रिवाइंडिंग करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे आप आसानी से रिवाइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मशीन है वो ऑटोमेटिक मशीन है जिससे कि आपको हाथ से इसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आप बटन के द्वारा आप अपने मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, आप अपने मशीन को चला सकते हैं। यहाँ पे हमने इन सभी पार्ट को सही से फिट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो मशीन है इसके अंदर आप कोई भी स्टेट की वाइंडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट है इसमें पेपर बैठा के इस प्रकार से आपको इस स्टेट को इस मशीन के अंदर लगाना होता है। और लगाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग डाई लगती है। डाई पर आपको इस प्रकार से नंबर लिखे हुए मिलते हैं, परंतु यहाँ पे मैं आपको आसान भाषा में बता लूँ तो यहाँ पे 16 स्लॉट के जो पंखे होते हैं उसमें यहाँ पे एक नंबर और 4 नंबर डाई लगती है। 16 स्लॉट के जो पंखे होते हैं उसमें 2 नंबर और 5 नंबर डाई लगती है, और जो 12 स्लॉट के जो पंखे होते हैं उसमें आपको 3 नंबर और 6 नंबर डाई लगानी होती है जिससे कि आप पंखे की रिवाइंडिंग कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 14 स्लॉट का पंखा है तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कॉइल के अंदर 2 नंबर डाई लगा लिए और उसके बाद हमने इस स्लॉट को इस प्रकार से एडजस्ट करना होता है ताकि हमारा जो स्टेट है उसके अंदर फिटिंग हो जाए। हमारा जो स्टेट है इसकी साइज थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए नीचे हमें बोल्ट दिए हुए हैं, इनको हम यहाँ पे खोल के और टाइट करके जिस प्रकार से एडजस्ट करना चाहते हैं इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करते समय आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्लॉट दिया हुआ है जो डाई लगी उसके बीच में आपका जो स्टेट है वो जाना चाहिए ताकि आपकी वाइंडिंग हो सके। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल लेवल में ले लिया है। अब लेवल में लेने के बाद हमें डाई को भी एडजस्ट करना होता है।
डाई को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे दो बोल्ट मिल जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे लूज करके अपनी डाई के अंदर जो जगह है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि हमारे जो स्टेट है इसके अंदर हमारे जो फर्मे हैं वो सही से फिटिंग हो सके। तो यहाँ पे मैंने इसको आगे पीछे करके इस स्टेट के अनुसार सही से एडजस्ट कर लिया है। आपको इस प्रकार से एडजस्ट करके यहाँ पे आपको इसको ऐसे लगा लेना है, ताकि आप अपना जो स्टेट है उसको सही से रिवाइंडिंग कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसके अंदर सही से बैठा दिया है, और बैठाने के बाद यहाँ पे हमने इस डाई का जो स्पेस है वह भी हमने ध्यान में देखते हुए यहाँ पे सही से सेटिंग कर लिया है। यहाँ पे आपको नीचे और ऊपर इन दोनों को स्पेस देखना है, साथ में आपका जो डाई है इसका भी स्पेस आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड से देख लेना है, ताकि आपका जो वायर है वो कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपने पंखे को सही से रिवाइंडिंग कर सके। अब यदि आपको लगता है कि ये जो ऊपर वाली प्लेट है वो कहीं टच हो रही है, या फिर स्पेस कम है या ज़्यादा है, तो आप इसको भी एडजस्ट प्रकार से लूज करके कर सकते हैं। फिर एक बार आपको हाथ से घुमा के देखना है कि कहीं टच तो नहीं हो रहा है। यदि टच नहीं हो रहा है तो आप अपने वाइंडिंग वायर को ले सकते हैं। लेने के बाद आपको किस प्रकार से इसको लगाना है ये मैं आपको बता लेता हूँ। लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो डंडी है इसके अंदर आपको वायर को इस प्रकार से लगा के निकालना है। इसके बाद आपको ये जो रुई वाला पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर लगाना है, और इसके अंदर लगाने के बाद अब यहाँ पे ये जो वाइंडिंग मशीन है इसके अंदर आपको लगाना होता है। तो चलिए, ये जो वाइंडिंग मशीन है इसका जो यहाँ पे हमें ऊपर वाला जो ये पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर हमें वायर को ऐसे लगाना है, और लगाते हुए हमें इसको ऐसे धकेलना है जिससे कि ये दूसरी साइड से बाहर आ जाए। अब यदि दूसरी साइड से बाहर आ चुका है तो आपको हाथों से इसको इस प्रकार से खींच लेना है, और खींचने के बाद अब यहाँ पे हमें इसके अंदर इन वायर को इस प्रकार से लगाना होता है। आप देख सकते हैं एक एक के अंदर हमें ऐसे इसको लगा के यहाँ पे बाहर निकालना होता है। तो इस प्रकार से आप अपने जो ये स्लिंग फैन है इसका जो वायर है इसको इस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद अब यहाँ पे आप स्लिंग फैन का जो स्टेट है इसकी रिवाइंडिंग करना चाहते तो अब यहाँ पे आप रिवाइंडिंग चालू कर सकते हैं। फैन रिवाइंडिंग मशीन को चालू करने से पहले आप इस प्लेट को इस वायर पर यदि रखते हैं तो यहाँ पे आटी आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कि आपका वायर कंटिन्यू चलता रहता है, वायर के टूटने की संभावना काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे यदि आपने इसको ऐसे रख लिया है तो अब यदि आप पंखे की रिवाइंडिंग चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने मशीन को प्लग के अंदर लगा के चालू कर सकते हैं। चालू करने के बाद यहाँ पे आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बटन मिल जाते हैं, जिससे कि आप मशीन को उल्टा और सीधा चला सकते हैं। साथ में आप मशीन को स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप बटन से स्टॉप कर सकते हैं, आगे पीछे चला सकते हैं। रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट पे आपको दबा के रखना होता है, और यदि आप आगे पीछे मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मेनू का जो बटन दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में, जो कि ऑटो मेनू, इसको दो बार दबा के रखना होता है जिससे कि आप इसको आगे पीछे चला सकते हैं। काउंट यदि आप सेट करना चाहते हैं तो स्टॉप बटन और रिवर्स बटन को साथ में दबा के आप आगे पीछे जिस प्रकार से काउंट सेट करना चाहते हैं आगे के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, पीछे के लिए भी बटन मिल जाता है। यहाँ पे स्टॉप और रिवर्स या फॉरवर्ड बटन को साथ में दबाना होता है, और यदि आप रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट का भी बटन मिल जाता है। अब यदि आप मशीन को चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मेनू बटन को दो बार दबा के यहाँ पे आप फॉरवर्ड या फिर रिवर्स चलाना चाहते हैं जिस प्रकार से चला सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि मैं पंखे को ऐसे ही एग्जाम्पल तौर पर आपको चला के बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि मशीन को बंद चालू करने के लिए यहाँ पे बटन मिल जाता है, साथ में आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें आप काउंट भी सेट कर सकते हैं, और अपने अनुसार आप आगे पीछे केवल बटन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं इस पंखे को रिवाइंडिंग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे काउंट सेट कर लिए, शायद आपको इस कैमरे में नहीं दिख रहे हो, परंतु मैंने यहाँ पे सेट कर लिए और यहाँ पे मशीन से पंखे की रिवाइंडिंग चालू कर दिया है। अब मेरा रिवर्स चल रहा है। फिर यदि हम इसको फॉरवर्ड चलाना चाहते हैं तो अब इस प्रकार से हमें
बाहर निकालना होता है, और बाहर निकालने के बाद अब यहाँ पे हमें दूसरे स्लॉट के अंदर अपना जो फर्मा है उसको लगाना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा स्लॉट हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब इसके बाद हमें फॉरवर्ड चलाना है, तो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मशीन है वो फॉरवर्ड चालू हो चुका है। तो इस प्रकार से आप निसान के जो फैन रिवाइंडिंग मशीन है इससे किसी भी फैन की रिवाइंडिंग कर सकते हैं। मशीन चलने में काफ़ी स्मूथ है, वाइब्रेशन बिल्कुल करता नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल आवाज़ भी नहीं करता है, जिससे कि हमें रिवाइंडिंग करने का भी काफ़ी मज़ा आता है। और यदि आप इस प्रकार के मशीन मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, सीधी डिलीवरी आपकी शॉप तक या फिर आपके घर तक दी जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।